Hello everyone, it's me Annie and welcome to my channel. So in today's video, I'll be reviewing few of my skincare products. Aaj koi makeup ka video nahi hai, aaj sirf products ka video hai. So stay tuned till the end to watch the full video. So I'm not a kind of person who will try different kind of products and then review about the product. Because on daily basis, I do makeup videos, I do makeup art on my face. So it gets very difficult to try some different products and make your skin more irritated. Because ज़्यादा makeup लगाना and skin पे art करने पे, फिर makeup निकालने में skin बहुत irritated हो जाता है. तो I cannot try new products and फिर उसको try करके मैं देखूँ कि वो product अच्छा है या नहीं है, मेरे skin type में जा रहा है या नहीं. So it's not possible. सो मैं वही प्रेफर करती हूँ कि जो प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट रिव्यू मिला हुआ है, कस्टमर रेटिंग में सबसे हाई है, आई ट्राई टू परचेज सच प्रोडक्ट्स एंड मैं उस पर ये रिव्यू बनाने वाली हूँ. सो देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो कस्टमर की रेटिंग के हिसाब से बहुत हाई था, बट स्टिल वो कुछ चेंज नहीं लाया. एंड और कोई कोई प्रोडक्ट्स है जिससे मतलब बैड चेंजेस आए. So in today's video, I'll be only reviewing about the products which has brought good changes on my skin. So let's begin. So the very first product which I'll be talking about is this moisturizer. It's from Pond's Light Moisturizer Non-Oily Fresh Peel. I must tell you guys, ये moisturizer अब तक का सबसे best moisturizer है जो मैंने use किया है. कस्टमर के रिव्यूज एज आई सेड अच्छे थे इस प्रोडक्ट के बारे. सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई. सो दिस प्रोडक्ट क्लेम्स फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन विथ वाइटामिन ई एंड ग्लिसरिन इन इट. ये प्रोडक्ट सीरियसली बहुत अच्छा है. मैं इसे हमेशा मेकअप लगाने से पहले यूज करती हूँ एज एन माई मॉइस्चराइजर. एंड ये उस स्किन टाइप के लिए अच्छा है, दोज हू हैव नॉर्मल स्किन टाइप और यू कैन से कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है. कॉम्बिनेशन स्किन इज दैट कि उसके टी जोन विल बी मोर ऑयली एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द फेस. बाकी फेस इधर ड्राई रहेंगे और नॉर्मल रहेंगे. सो उस स्किन टाइप को कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं. सो इट्स वर्क्स वेल फॉर दैट स्किन टाइप और नॉर्मल स्किन टाइप. बट दोज हु हैव ऑयली स्किन कैन परचेज द अदर प्रोडक्ट ऑफ पॉन्स सुपर लाइट जेल. वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उन स्किन टाइप के लिए जिनके पिंपल्स है या थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है. आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. इट क्लेम्स फॉर मोर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन एंड विद हाइड्रोकॉलिक एसिड इन इट. मैं ये बताना चाहूँगी कि देर आर पीपल हु थिंक कि एक मॉइस्चराइजर आप ले लिए, आपके स्किन पे ये मॉइस्चराइजर आपको अच्छा लगा है, सो यू विल यूज़ द सेम मॉइस्चराइजर फॉर द होल ईयर. इट्स वेरी रॉन्ग. You have to change your moisturizer according to the weather condition and the changes in your face. When it's a summer, use a gel-based moisturizer. And जैसे जैसे summer के बाद आता है rainy season, you can go for light moisturizer like this one, ठीक है? And winter season आया, use a moisturizer जो थोड़ा सा heavy हो. Because उस वक्त skin ज़्यादा dry रहते हैं, तो आपको ऐसा moisturizer लगाना चाहिए जो आपके dryness को हटा सके. सो पॉन्ड्स के ये मॉइस्चराइजर एंड द अदर वन द जेल बेस्ड वन इज ऑल्सो वेरी गुड. आई हैव यूज दिस वन एंड द अदर वन एज वेल, बट उसका मैं बहुत छोटा प्रोडक्ट यूज़ की थी एंड वो ख़त्म हो गया था. सो यही अवेलेबल था तो मैंने इसको वापस खरीदा. बिकॉज मेरे मेकअप के लिए ये बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ के वेदर कंडीशन के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है. सो यू मस्ट गिव अ ट्राई ऑन दिस प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलोवेरा जेल फ्रॉम वाओ. सो ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है एंड जिनके पास एलोवेरा के प्लांट है बट टाइम नहीं है कि वो उससे जेल निकाल के अपने स्किन पे लगाए. इट्स फॉर देम जो थोड़े बिजी रहते हैं एंड दोज़ हु वांट टू ट्राई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. सो मैंने बहुत सारा एलोवेरा जेल यूज़ किया है बट दिस वन सीरियसली आई मस्ट से कि ये सब एलोवेरा जेल से मुझे मेरे स्किन टाइप में ये बहुत सूट किया. आई ट्राई कि मैं जब मेकअप कर रही हूँ एंड इट्स लाइक वेरी हॉट वार्म वेदर और लाइट मॉइस्चर मतलब लाइट मेकअप करना है, ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, अभी ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए. सो आई प्रेफर कि मैं जेल लगाऊँ विच इज़ दिस
मॉइस्चराइजर, इट सर्व एज अ मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल. सो आप ये यूज कर सकते हैं. आई हैव बॉट इट फॉर ₹299, विच इज चीप, नॉट दैट एक्सपेंसिव. बट हाँ, द क्वांटिटी इज कम, इट्स 130 ml. सो इट सूट्स ऑल skin and hair types. Even you can apply it on hair, but after applying it on hair you have to wash the hair, because maine ek bar laga ke hair dry kar liya tha to wo bahut kada ho chuka tha wo hair. To aap jabhi bhi ye lagao to make sure you wash your hair. But skin ke liye ab tak ka sare aloe vera gel se mujhe ye sabse acha laga, and it has worked wonders for my skin. And आप और भी जेल अगर आप यूज करते हो सकता है और भी एलोवेरा जेल अच्छे. मैंने जितना यूज किया उसमें से ये सबसे बेस्ट है. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लॉरियल रीवाइटल लिफ्ट. दिस इज द न्यू प्रोडक्ट विच आई हैव रिसेंटली बॉट. इट सेज कि इट्स फॉर सूदिंग एंड रेडियंस. This is my first purchase of this product. That's why I have purchased this small tiny one. It looks very cute. So it says ki after 1 week you will see the change in your face. Bought it around for 230 or 250, I don't remember. But it's a good product. After 1 week I have seen some changes in my skin, like a bit glowy and fresh, more clear. अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो अपने स्किन के लिए, मेक श्योर यू परचेज द स्मॉलर वन फर्स्ट एंड अप्लाई इट ऑन योर स्किन एंड सी वेदर यू वेदर इट्स सूटिंग योर स्किन टाइप एंड नॉट ब्रिंगिंग एनी इरिटेशन ऑन योर स्किन. सो आप पहले वो चेक करें. आफ्टर दिस बॉटल गेट्स ओवर आप बड़े वाले बॉटल ऑर्डर कर सकते हो. एंड सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई बी टॉकिंग अबाउट इज द सनस्क्रीन फ्रॉम न्यूट्रीजिना. It's a super light, clean, fresh sunscreen. So मैंने जो पहले जितने भी sunscreen use किए हैं, basically पहले सिर्फ Lakme के sunscreen आते थे, matte finish one. So वो पता नहीं वो skin को थोड़ा सा और dark कर देता था, and पता नहीं it didn't work well for me. But after purchasing this one, I see a good change. Like वो completely मेरा face को cover करते हैं from UV rays. The SPF is 50+. So मैं ये बोलना चाहूँगी कि sunscreen को कभी भी directly अपने skin पे ना लगाए. It might burn your skin. So first apply any gel based moisturizer or normal moisturizer, and after that apply sunscreen, and on top of that you can go for any BB cream or foundation, whatever you like. So ये अब तक का सबसे अच्छा मुझे लगा है, और this is my second purchase. और you can also go for this. आप इसका पता नहीं मुझे छोटा कोई product आता है कि नहीं, जो आप try कर सको अपने skin पे. So I bought it for ₹550, it's a good amount, 88 ml. So give a try on this product and let me know कि ये कैसा है. Never step out of the house without applying sunscreen. चाहे cloudy weather क्यों ना हो, always apply sunscreen, क्योंकि cloudy weather होने के बावजूद आपके face को effect करता है sun rays. वो कहीं ना कहीं से penetrate होता है, आपके skin को harm करता है. अगर आपका skin में आप sunscreen नहीं लगा रहे हैं and tan हो रहा है, I must tell you कि tanning से skin aging का जो process रहता है वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है. तो अगर आपको जल्दी बुढ़े नहीं होना है तो ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन वेर एवर यू गो. रात के टाइम नहीं, ऑलवेज ऑन डे टाइम. सो हमेशा लगाए सनस्क्रीन. सो द प्रोडक्ट विच आई बी टॉकिंग अबाउट इज अंडर आई जेल फ्रॉम अरोमा मैजिक. सो मेरे डार्क सर्कल्स ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए ये अच्छा वर्क करता है. आई डोंट नो वेदर दिस प्रोडक्ट विल वर्क ऑन दोज जिसके ज़्यादा डार्क सर्कल है. फॉर देम हु हैज मोर डार्क सर्कल्स, प्लीज़ अप्लाई अ गुड क्रीम, बिकॉज आपके जो अंडर आई है वो सबसे पहले एज होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो यू मस्ट टेक अ गुड केयर ऑफ देम. एंड सो आई यूज दिस वन, दिस इज द सेकेंड परचेज एंड आई बॉट इट फॉर ₹210. इट्स अ गुड जेन्युइन प्रोडक्ट, यू कैन गिव अ ट्राई ऑन दिस वन. सो द लास्ट टू प्रोडक्ट्स विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज माई फेवरेट फेस मास्क. And both the face masks are from Good Vibes.
these are the cheap and best ones. One is papaya glow face mask and the other one is activated charcoal. मैंने अभी तक बहुत सारे फेस मास्क यूज किए, मतलब अच्छे रहते हैं, बट फर्स्ट यूज के बाद अगर आपको कोई फेस मास्क सच में चेंज देता है तो आई मस्ट से कि हम लोग उसको अच्छा ही बोलते हैं. सो द चारकोल वन इज फॉर लाइक क्लीनिंग योर फेस. इट्स अ डीप क्लेंजिंग फेस मास्क. यू वांट टू क्लीन योर फेस लाइक फ्रॉम विदन एकदम अच्छा से, यू कैन गो फॉर दिस वन. एंड द अदर पपाया ग्लो फेस मास्क, ये सच में बहुत अच्छा है. ये एक यूज के बाद यू विल सी अ चेंज इन योर फेस. आपका फेस ज़्यादा ब्राइट लगेगा बिकॉज पपाया के जो इंग्रेडिएंट पपाया है वो टैन निकालने में हेल्प करता है. तो ऑब्वियसली अगर आपका स्किन टैंड है तो ये हेल्प करेगा टू ब्रिंग ग्लो ऑन योर फेस एंड ब्राइटन योर स्किन. एंड अदर थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट कि जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अगर आपको बोलते हैं कि ब्रिंग ब्राइटनेस इन योर स्किन, इट विल चेंज योर स्किन टोन, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग विच इज इलॉजिकल फ्रॉम अ प्रोडक्ट. अगर आपका स्किन टोन ही ज़्यादा ब्राइट नहीं, देन अगर आप प्रोडक्ट लगा रहे हो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका फेस पूरा सादा हो जाएगा. ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, वो प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या करते हैं, आपका स्किन जो डर्ट या फिर टैन हो जाते हैं तो उसको वो लाइट करते हैं. सो कोई भी प्रोडक्ट से वो एक्सपेक्टेशन रख के फिर रिव्यू देना कि वो प्रोडक्ट आपका फेस ब्राइट नहीं करता है, इट्स नॉट राइट. आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए, जो आपका स्किन का कलर ही नहीं है वो स्किन टोन आपको वो कैसे दे सकता है फेस पे. सो आई हैव बॉट दिस फेस मास्क फॉर ₹235 one piece and the other one was also no the other one is 225. The black activated charcoal is for 225 and the papaya glow mask is for 235. It is which is good cheap amount. You can try these two products. So these were the few skincare products on which I gave my review. Must try all these products and share your review as well. And I'll be making more videos on hair products, skin products, and will provide more information as possible. So hope you like this videos and do not forget to like, comment, share and do subscribe to my channel. And thank you for watching. Love you guys.